अस्सलाम वालेकुम मेरे देश परदेश वालों, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है मेरे देश परदेश वालों। आज हम बात करेंगे लौकी पे, यानी कि कद्दू पे। ये अल्लाह ताला की बहुत ही प्यारी नेमत है मेरे देश परदेश वालों, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़ज़ाओं में से एक ग़ज़ा है। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं मेरे देश परदेश वालों। 100 ग्राम कद्दू में तकरीबन 25 के करीब कैलोरीज पाई जाती हैं मेरे देश परदेश वालों, और ये दिमाग को ताकत देता है और दिल को मजबूत करता है। मैदे की बहुत सी बीमारियों के लिए इंतहाई फ़ायदा मंद है। ये मैदे की सख्ती को दूर करता है और कब्ज़ कशा है। कद्दू का जूस जिगर की गर्मी यरकान समेत बहुत सी बीमारियों के लिए, इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद है मेरे देश परदेश वालों। और इसके बीच इनमें जिंक की वाफर मकदार पाई जाती है। इसका इस्तेमाल भी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर इसके बीज का इस्तेमाल किया जाए तो पेट में जो कीड़े होते हैं उनका भी बेहतरीन इलाज है इन बीजों में। मेरे देश परदेश वालों, अगर इसको उबाल के और इसको दही में इस्तेमाल किया जाए रायते के तौर पर, तो ये एक बेहतरीन ग़ज़ा के तौर पर हमारी रोज़मर्रा रूटीन में शामिल हो सकता है। इसके अलावा मेरे देश परदेश वालों, कद्दू में बे इंतहा फ़ायदे मौजूद हैं। आप इसको जूस की सूरत में इस्तेमाल करें, आप इसको खाने की सूरत में सब्ज़ी के तौर पर अगर इस्तेमाल करें तो भी इसका इस्तेमाल बेहतरीन है इंसानी जिस्म के लिए। कद्दू के इस्तेमाल से कुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा होता है मेरे देश परदेश वालों। इसके बे इंतहा फ़ायदे हैं, आप इसको इस्तेमाल करके रखें मेरे देश परदेश वालों। खुशियों का स्विच ऑन करके रखें। अल्लाह हाफिज़।